Hello everyone, this is Shalini and here I am with another new topic of class 6th जो कि है set. तो बहुत ही easy topic है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, तो चलिए शुरू करते हैं. बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर हिट कर दीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट. A well-defined collection of object is called set. तो इस पॉइंट को हम समझते हैं वर्ड टू वर्ड. ओके, इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हें हम पूरा प्रॉपर एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं. सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इन मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सारे कहलाता है ऑब्जेक्ट. ओके, हम हर एक चीज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन मैथ्स. वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि आप उस चीज के बारे में श्योर है कि ये जो चीज है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है. इसका मतलब ये कि आप चाहे कितने भी फ्रूट्स ले लीजिए, वो सारे जो फ्रूट्स हैं, चाहे बनाना हो, पाइनएप्पल हो, मैंगो हो, एप्पल हो, कोई भी हो, वो एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. दे ऑल आर फ्रूट. ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक सेट. बिकॉज दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन. वेल डिफाइंड, वी आर श्योर कि ये फ्रूट्स का ही कलेक्शन है. तो वेल डिफाइंड का मतलब कि वी आर श्योर अबाउट इट, देयर इज नो डाउट. ओके, कलेक्शन मींस तो आपको पता ही है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन, उसे हम कहते हैं सेट. तो दिस पिक्चर इज अ सेट, सेट ऑफ फ्रूट्स. तो जो सेट होता है उसे हम लिखते हैं कर्व्ड ब्रैकेट के अंदर. ओके, तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल, ये मीडियम या कर्व्ड, और बिग ब्रैकेट. तो कर्व्ड जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर हम सेट के जो नंबर्स हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं. ओके, बट मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो अगर कोई नंबर्स का सेट है, सपोज कीजिए ए एक सेट है ऑफ ऑल इवन नंबर्स. ओके, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? उसे हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर, ये जो इस तरह का कर्व्ड ब्रैकेट होता है, इसके अंदर लिखेंगे हम सारे इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. ओके, तो ये सारे इवन नंबर्स का जो कलेक्शन है, दिस इज कॉल्ड सेट. वी आर श्योर कि ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा वेल डिफाइंड. ओके, तो हम इसको हम कहते हैं, जो हम ये सेट के अंदर लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स, इनको हम कहते हैं मेंबर या एलिमेंट या फिर पॉइंट्स ऑफ दैट सेट. ओके, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 जो भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे सेट ए के मेंबर्स हैं, या फिर कह लीजिए एलिमेंट्स हैं, या फिर आप कह लीजिए पॉइंट्स हैं. राइट, क्लियर कि सेट क्या होता है? अब आपको क्लियर है. अब हम बात करते हैं कि अगर कोई एक सेट है ए और उसमें कोई एलिमेंट है एक्स, है ना, एलिमेंट है मतलब उस सेट को बिलोंग करता है, उस सेट का एक मेंबर है. ठीक है, उस सेट का कोई मेंबर है एक्स, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? हम उसे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इस साइन के साथ. ठीक है, यहाँ पर जो आप ये साइन देख रहे हो, ये है बिलोंग्स टू. इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू. ओके, तो अगर कोई मेंबर है तो उसे हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए. जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे मेंबर्स है, तो वी कैन से 2 बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर 8 बिलोंग्स टू सेट ए. ओके, और अगर कोई एक्स है, एलिमेंट है, जो ए का मेंबर नहीं है, ए सेट का एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? जैसे सपोज कीजिए इस एग्जांपल में 3 इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए. ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल है इसमें 3 इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए, तो हम ऐसे लिखकर इसमें कट का निशान लगा देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है कि दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ ए. ओके, मेथड टू डिस्क्राइब अ सेट. तीन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे. फर्स्ट मेथड है रोस्टर मेथड, या फिर ऐसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म. ओके, टेबुलर फॉर्म क्यों? क्योंकि इसमें हम लिस्ट बनाते हैं. ओके, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने भी सेट के मेंबर्स होते हैं उनकी हम लिस्ट बनाते हैं और उनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है कि लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स. तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हम कैसे लेंगे? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19. ओके, तो इस तरह से हमने 10 नंबर्स को इस ब्रैकेट में लिख दिया.
तो ये सिंपल है, जो हमने अभी पिछले स्लाइड में भी जो दोनों एग्जांपल देखे वो भी टेबुलर फॉर्म ही था, वो भी रोस्टर मेथड ही था. ओके, तो उसमें भी हमने इवन नंबर्स लिखे हुए थे, यहाँ पर हमने ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं. तो जो ये नॉर्मल मेथड है टू डिस्क्राइब, दिस इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड. सेकेंड जो हमारी मेथड है वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड. ओके, डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन देते हैं, हम नंबर्स को नहीं लिखते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है कि लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल 7 days ऑफ द वीक. तो हम 7 days ऑफ द वीक में हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम सेट में अंदर लिखें कि मंडे ट्यूजडे वेंसडे, ठीक है, ऐसे हमको नहीं लिखना है. ओके, दिस इज रॉन्ग. हमको एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, हमको सिर्फ एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन देना है. तो हम a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 7 days ऑफ द वीक. एंड इट इज वेरी वेल नोन कि 7 days ऑफ द वीक क्या होते हैं, सबको पता है, ठीक है. तो हम सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, राइट. अब जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है, ये वाले एग्जांपल को अगर हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि a इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, राइट. एंड दिस इज द डिस्क्रिप्टिव मेथड. ओके, सो आपको क्लियर है दोनों मेथड्स में डिफरेंस. नेक्स्ट इज रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कुछ कुछ आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है. इस मेथड में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी लिखते हैं, वो प्रॉपर्टी लिखते हैं एलिमेंट सेट की जो हर एलिमेंट सेटिस्फाई करे. ओके, जैसे कि लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था कि ऑड नंबर्स थे, तो जो जितने भी एलिमेंट थे, चाहे 3 हो 5 हो 7 हो, वो सारे उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे कि वो सारे ही ऑड नंबर हैं, उन्हीं का वो सेट है. ओके, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल में मैंने लिया हुआ है कि इफ एक्स ए इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू एक्स. हमने मान लिया है कि सारे सेट को, हमने मान लिया सारे सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो x प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है. यह हेयर x इज द प्रॉपर्टी. x क्या है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है. ये सारे एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हैं. और ये जो आप दो डॉट देख रहे हैं, इस डॉट का मतलब है सच दैट. इसे हम पढ़ते हैं सच दैट. तो हम क्या पढ़ेंगे, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 multiples of 10. तो ये जो हमने लाइन लिखी है ये कुछ कुछ डिस्क्रिप्टिव मेथड की तरह ही हो गया है ना. जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्क्रिप्शन किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हमको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है. बट किस तरह से लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी के साथ. तो a इक्वल्स टू x वेयर x इज अ प्रॉपर्टी सच दैट x इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 multiples of 10. तो यहाँ ऊपर हमने जो मल्टीपल्स लिखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, दिस इज द टेबुलर फॉर्म. और जो नीचे हमने उसको चेंज कर दिया है x के फॉर्म में, दिस इज द सेट बिल्डर मेथड. ओके, दिस मेथड इज द सेट बिल्डर मेथड. सो काइंड ऑफ सेट्स में सबसे पहले है हमारे पास इक्वल सेट. अगर आपके पास दो तरह के सेट हैं a और b, तो वो दोनों ही सेट इक्वल हो जाएंगे, a इक्वल्स टू b हो जाएगा. अगर a में जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स सामने दिख रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स b में हो और b के सारे एलिमेंट्स a में हो. ओके, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में हो, या फिर वाइस वर्सा, जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ए के जो एलिमेंट्स है वो बहुत ही सिंपल दिए हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, सीक्वेंस है. और बी के जो एलिमेंट है वो है 4, 3, 2, 1. ओके, बैकवर्ड काउंटिंग है, लेकिन एलिमेंट दोनों में सेम है, एलिमेंट दोनों में ही सेम है. फोर इसमें है, फोर इसमें है तो इसमें भी है, 3 इसमें है तो इसमें भी है. ओके, 2 इसमें है तो इसमें भी है, 1 दोनों में है, ठीक है. तो इस तरह से हमने कह दिया कि ये दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो वी कैन से दैट a इक्वल्स टू b. ओके, तो क्लियर है ये इक्वल सेट क्या होता है. नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, जीरो एलिमेंट्स हो, उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट, या फिर हम उसे कह सकते हैं नल सेट. और इसे हम डिनोट करते हैं फाई से. यहाँ पर ये जो आप साइन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड फाई. मैथमेटिक्स में हम इसे पढ़ते हैं फाई. ओके, तो अगर ए कोई सेट है, फॉर एग्जाम्पल ए इज द सेट ऑफ
इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5। अब आप सबको पता है कि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है और वो होता है 2। 2 इवन प्राइम नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि ग्रेटर देन 5 होना चाहिए इवन प्राइम नंबर। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि एक ही प्राइम नंबर होता है, वो भी 5 से छोटा है, तो 5 से बड़ा तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है, तो a का जो सेट है वो खाली ही रहेगा, बिकॉज कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, राइट? सो a विल बी ब्लैंक, या फिर वी कैन से a इक्वल्स टू 5, या फिर हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5, यानी कि a जो सेट है वो एम्प्टी है। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मींस जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सेट विथ ओनली वन एलिमेंट, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, बस उसमें एक सिंगल एलिमेंट होगा, तो हम उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है इन इक्विवेलेंट सेट, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं और इक्वल सेट में प्रॉपर्टी देखनी है, एलिमेंट सेम हो दोनों में, ओके? और इसमें नंबर सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने लिया है एस डब्ल्यू ओ आर डी, यानी कि ये सारे वर्ड्स हैं जो सॉर्ड में इंक्लूड है। सॉर्ड वर्ड के सारे अल्फाबेट्स हमने यहाँ पर सेट ए में लिए हुए हैं, ठीक है? और ग्रैंड वर्ड के सारे अल्फाबेट्स हमने सेट बी में लिए हुए हैं। तो सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी, बट नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट बी, एंड ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ओके? तो इसमें दोनों में नंबर इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन ए इक्वल्स टू एन बी, ओके? तो इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होता है आपको पता चल गया है, और उनकी जो सेट्स को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, वो भी आपको अब पता चल गया है। तो इस पर बेस्ड बहुत बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आपके टेक्स्ट बुक में, आप प्लीज उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे लिख कर या फिर उसका पिक्चर निकाल कर नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आपको जरूर बताऊंगी। तो ये था मेरा टॉपिक फॉर सेट, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।